नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान के दौरान पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई में अपने परिवार के साथ वोट डाला। इस दौरान उनके साथ पत्नी डिंपल भी मौजूद रही। इस दौरान मौजूद अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव की पत्नी अभिलाषा यादव ने कहा कि अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं। उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनकी सरकार अब बनने जा रही है, बीजेपी को डबल डिजिट में आना मुश्किल है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी और मुलायम सिंह की बहू राज लक्ष्मी ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लंबे समय बाद एक साथ दिखे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। लंबे समय बाद इनकी मुलाकात को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा भी है। देश को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत करा दे। अब है कंपटीशन जनता में, जसवंत नगर में और करहल में। अब जनता अब 10 तारीख का इंतजार करो। इटावा में आए हैं और इटावा से ही उन्होंने पूरे सबको वोट मांग लिया। अब अखिलेश यादव तो घर घर जाएंगे नहीं है? वो तो कई बार वोट हमारे पक्ष में मांग चुके हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत।